हेलो मेरे देसी चटोरों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फी। लौकी की बर्फी सुनने में थोड़ा डिफरेंट लगता है, बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी की बर्फी की रेसिपी। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करें। लौकी की बर्फी बनाने के लिए हमने 1 किलो लौकी ली है। हमने बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन कलर की लौकी ली है, जिससे कि इसमें बीज ना हो। अब हम लौकी को अच्छे से वॉश करके और इसका छिलका उतार लेंगे और ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे। हमें लौकी को ज़्यादा मोटा ग्रेट नहीं करना है, मीडियम वाले ग्रेटर से हमें इसे ग्रेट करना है। ये देखिए, हमने सारी लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है, हम इसमें ग्रेट करी हुई लौकी डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। जब तक हमारी लौकी फ्राई हो रही है, हम दूसरे गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क डालेंगे और उसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमें दूध को कंटिन्यूसली चलाते हुए तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी न रह जाए और ये गाढ़ा ना हो जाए। जब तक दूध उबलता है, लौकी को अच्छे से भून लेंगे। इससे जो बर्फी का टेस्ट है, हलवाई जैसी बर्फी का आएगा और लौकी का एक्स्ट्रा पानी भी सूख जाएगा, जिससे कि बर्फी और टेस्टी लगेगी। कुछ ही देर में हम देख रहे हैं हमारी लौकी अच्छे से पक गई है और थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है, और इधर हमारा दूध भी बॉईल हो चुका है। अब हम इस दूध को पकी हुई लौकी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लौकी को और दूध को कंटिन्यूसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। हमें लौकी और दूध को तब तक चलाते हुए पकाना है जब तक कि दूध लौकी में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए और ये गाढ़ा ना हो जाए। हम देख रहे हैं थोड़ी ही देर में हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। लगभग 6 चम्मच चीनी ली है मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद वापस से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चीनी डालने से हमारा मिक्सचर थोड़ा पतला हो गया है, हमें इसे वापस से गाढ़ा करना होगा। कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसे फ्राई करते रहेंगे। हमारी बर्फी को मार्केट जैसा लुक देने के लिए अब हम इसमें 1 ड्रॉप एडिबल फूड कलर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कलर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने कटे हुए बादाम और काजू लिए हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हमारी बर्फी का मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है, इसमें से घी रिलीज हो रहा है, तो इस टाइम हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे और जो हमारा बर्फी का मिक्सचर है वो इसमें निकाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। हमें इसे थोड़ा प्रेस करके अच्छे से फैलाना है। हमने अपने बर्फी के मिक्सचर को प्लेट में अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसे ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश कर लेंगे और 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएं। लगभग 5 मिनट के बाद हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसकी स्लाइसेस काट लेंगे। हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट, सॉफ्ट और टेस्टी लौकी की बर्फी बनकर रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।